गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 3rd है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या लीनियर इक्वेशंस है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमें सॉल्व करना है। आप देखो इसमें मैथड गिवन नहीं है, तो इसको किससे करेंगे, एलिमिनेशन मैथड से। वाई है जो प्लस माइनस का, तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18। तो x इज इक्वल टू 18 बाय 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 9 माइनस y इज इक्वल टू 4, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, एक्स वाई की वैल्यू होगी। देखिए दी वैल्यू जो इसमें भी सेम सॉल्व करना है, पहले आप इसका एलसीएम लोगे, फिर सेम ऐसी इक्वेशन हो जाएगी, फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करना। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशंस। अब देखो जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन सब में से ये 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है वो दोनों सेम हो गई, तो इन पर क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन बताना कौन सा होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अभी 2 इक्वेशंस है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना। अब ये कंडीशन है, ये जरूर याद होनी चाहिए सभी को, 2 इक्वेशंस हो गई। अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये टेबल बनी हुई है, मैंने कराई भी है आपको, तो ये देखना, ये वाला नॉट होता है, तो ये कौन सी लाइंस की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की, कौन सी की, पैरेलल लाइंस। अगर तीनों ही इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये किसकी होती है, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की। और इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये तीनों ही कंडीशन लर्न होनी चाहिए सभी को। अब देखो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तीनों ही इक्वल है, तो क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वो तो हमने लाइंस बताई थी, तो कोइंसिडेंट लाइंस थी, सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इसमें देखो नॉट इक्वल है, तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये वाली नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये है जो ये आपके 3.5 के हैं, ये मैंने अभी आपको कराया नहीं है, बाकी मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, कंडीशंस, द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 किसके पैरेलल होता है, ये हमारे एलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 किसको रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन ही है आपके में। ठीक है, के वाले अभी नहीं करने हैं, जब मैं आपको करा दूंगी तब करोगे। ये आपको करा चुकी हूँ मैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ आई है 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, ये सारे आपके वही है, एलिमिनेशन मेथड के ही हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, जब 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अक्सर वाई की वैल्यू ही निकलती है हमारे पास, इसमें सिर्फ वाई की पूछी हुई है, वाई के निकालोगे। लीनियर इक्वेशन की क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन है इनका आंसर, क्योंकि आपके में अभी स्ट्रेट लाइन ही आया है। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट है, एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं।